पशुओं च जानवरों च लंपी स्किन डिजीज जिहड़ी नां दी बीमारी है वो फैली है, उहदे बारे बहुत ही अहम मीटिंग हुई है जिहदे विच पशु पालन विभाग के उच्च अधिकारी, मंत्री साहबान, डेयरी फार्मिंग के मंत्री साहबान, वित्त मंत्री साहब ते यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के वैटनरी डिपार्टमेंट के डीन साहब वो सारे ने इस मीटिंग च हिस्सा लिया। एक दो फैसले ले गए ने इस बीमारी नू रोकण लई ते इस बीमारी नाल निजठण लई पंजाब सरकार बहुत गंभीर है, क्योंकि पशु धन जिहड़ा है बहुत सारे घर उन्हां पशुआं दे दुध दे नाल उन्हां दा खर्चा चलता है, कबीलदारी चलती है। बीमारी यह जाम्बिया च फैली सी 80 साल पहला, यह हुण पिछले 2 साल तो इंडिया पहुंची, उड़ीसा तो उस बाद हुण नॉर्थ इंडिया च यह पहुंची है। पंजाब दे विच ज़्यादा अफेक्टेड जिले जिहड़े ने वह फाजिलका, श्री मुक्तसर साहब, बठिंडा, तरन तारण का इलाका है। वैसे कुछ केस तो हर एक जिले ही पाए जाते हैं पर ज़्यादा अफेक्टेड है। एक तो वड्डे पद्धर ते असी वैक्सीन जिहड़ी है मंगवा ली है, साढ़े कोल पैसे की कोई घाट नहीं। जिहड़ी वैक्सीन जिहड़ी हुण तक इस बीमारी लई रिकमेंडेड है, की उसका नाम गोटपॉक्स, वो असी भारी मात्रा च मंगवा ली है ते होर भी एयरलिफ्ट करा लांगे जरूरत पई। इस तो अलावा पशु जिहड़े पालक ने उन्हां नूं सलाह भी दित्ती जांदी है कि साफ सफाई रखण उस जगह ते, जे कर सकदे ने तां जिहड़े पशु नूं कोई तफड़ होए ने जिहड़ा स्किन दे तां उहनूं किते अलग बन लिया जावे, जां खेत बन लिया जावे दूजे पशुआं तों, तंदरुस्त पशुआं तों थोड़ा जिहा अलग रखिया जावे। ते नाल नाल पशु पालन विभाग जिहड़ा वह कैल्शियम अते होर जिहड़ियां डोजेज ने वैक्सीन तो बिना वह भी उन्हां दी इम्यूनिटी वधाउण लई ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ, जे कोई होर वैक्सीन ये रिकमेंड हुई, भारत सरकार ने सिर्फ अज तक एक ही वैक्सीन रिकमेंड की है इंडिया च, हुई तो वह भी मंगावे। तो जेडे पशु मर चुके ने साढ़े को ग्राउंड रिपोर्टा आईया ने कि उन्होंने दबण वास्ते कई प्रबंध नहीं है, कई लोग इदा ही सड़कों के किनारिया सुट गए, वो कोई होर बीमारियां फैलन के चांस रेंदे ने। सो असी सारे डिप्टी कमिश्नर सख्त निर्देश कर दिए गए हैं कि उन्होंने दबण का प्रबंध जोड़ा वो प्रशासन वालों किया जाए। पंचायत दमीन पे जाओ जिते भी जगह मिलती है 6 फुट बाय 6 फुट का टोआ पट के उन्होंने जोड़ा पशु जोड़े मर गए उन्होंने दबिया जाए, ताकि कोई होर इस तरह की उन्होंने जी हड्डा रोड़ी चो जा कितों कोई होर बीमारी ना फैले। तो बाकी पंजाब के सारे बॉडर जोड़े ने उन्हों तो भी कोई किसी पशु डंगर के आने का तो पाबंदी लाई जाती है अगले ऑर्डर तक, क्योंकि अपने ये बीमारी जो हूँ तक जो नतीजा कढ़िया कि वह राजस्थान तो पहुंची है, क्योंकि उधरले जिले जो राजस्थान के बार्डर नाल ने ज़्यादा अफेक्टेड ने। तो जेडे पशु पालक जे जिन्हें कोल ज़्यादा पशु ने उन्होंने भी सलाह दी जाती है कृपा करके सड़कों के नेड़े या हाईवेज के नेड़े वो ना पशु अपने चराने के नाल कितने एक्सीडेंट होंगे ने, मनुखा दी कीमती जाना भी जाती तो पशुओं का भी नुकसान होंगे। एक तालमेल कमेटी जिदे विच
तीनों मंत्री साहबान यूनिवर्सिटी के डीन साहब वैटनरी डिपार्टमेंट के ते पशु पालन विभाग के सैकटरी जिहड़े ने उन्हां दी एक बनाई है वो डे टू डे मोनीटर करूगी और नाल मैं एक थोड़ी जी खुशखबरी भी यही है कि पिछले दो तीन दिनों तो ये घटन के चान जिहड़े सानू सिमटम्स मिल रहे हैं लक्षण घटन दे मिल रहे हैं इस करके मैं सारे पशु पालकों जिन्होंने रखे हुए ने उन्होंने संजम रखने की अपील करदा और किते इधरों उधरों अफवाह ना सुनो तो कोई कहिंदा देसी दवाई है कोई है पशु विभाग जिहड़ा पशु पालन विभाग जिहड़ा उन्होंने सख्त हदायतां ने कि आपां जिहड़ा नुकसान नहीं होण देना इस करके जिथे वह कहणगे उत्थे आवांगे छिड़काओ भी मच्छरां दा भी क्योंकि मच्छर भी एक दूजे जो पशु नूं कटदे ने तां वह ब्लड राही वह जांदी है बीमारी सो ये भी प्रशासन नूं हदायत कर दित्ती गई है ते नाल नाल पशु पालन विभाग कोल भी नाल नाल पंचायत विभाग कोल भी असी पैसे की कोई कमी नहीं इस मामले आने देवांगे ते हुण तक असी 86,000 के लगभग वैक्सीन जिहड़ी है लगा चुके हैं जिन्नी भी चाहिए होगी वैक्सीन पक्षों असी जिहड़ा कमी नहीं कोई रहने देवांगे ते नाल नाल एक कोई अफवाह फैल जाती है अक्सर यह असल च जिवें करोना होया सीगा अपने च भी अफवाह फैलियां सी कोई कहिंदा सी टीका लगाउण तो बाद 15 दिन बाद आ हो जाता वह हो जाता पहला लोग टीका लगाउण तो डरते सी बल्कि जिहड़े वैक्सीन करन जाते सी उन्हां दे नाल लड़ाई झगड़े भी होए ने बाद दे विच जदों पता लग्या कि यह सेफ है तो फिर लोग आप जिहड़े ने उह अपने नाम लिखाउंदे सी कि साडा जिहड़ा नाम लिख लो सो वैक्सीन जिहड़ी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੈਟਨਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਵਾਹ ਹੈ दुध के नाल यह बीमारी जी मनुखा च नहीं आ सकती तो तुम थोड़े दस दो जी मैं यही दसना चाहता भी दुध अपने जिमें आदत है भी दुध बॉयल करके पीने दुध कच्चा बिल्कुल नहीं पीना दुध बॉयल करके पीना जो तुम दुध बॉयल करके पीने तो वो कोई चांस नहीं है कि यह बीमारी अपनी जे जानवर हुई हुई है तो किसी भी मनुखा तक पहुँचूगी वैसे ये ज बीमारी जानवर वाली बीमारी है मनुखा वैसे होंगी नहीं गी पर सिर्फ यह कह के वहम पै जाता भी हुण जे दुध बालिया नहीं कच्चा पी लिया दुध च कोई होर जरासीम होए तो कोई बीमारी होगी तो ना उधर लग जाता भी लंपी स्किन करके होया इस करके दुध नूं बॉयल करके पीओ तो कोई डरन की लोड़ नहीं हैगी कि बिल्कुल नहीं बीमारी फैलती सो यूनिवर्सिटी के काबिल अफसर तो पशु पालन विभाग के काबिल अफसर तो मंत्रियों की टीम जिहड़ी है वो दिन रात काम करूगी तो असी इस पशुओं पर आए हुए संकट नूं क्योंकि पशु पालक जिहड़े ने उन्हों का बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होया हुंदा अजकल कीमत जिहड़ी है मझां दी गावां दी लखां दे विच है ते पंजाब दुध उत्पादकां दे विचों वड्डा नाम है सो इस करके साडे लई इह बहुत गंभीर ते अहम विशा है सो असीं इहनूं गंभीरता नाल लैंदे होए सरकार वल्लों अहम फैसले लए ने आउण वाले दिनां च होर भी फैसले लैणे पए तां तुहानूं असीं समें समें ते दस दे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हजे बीमारी रोकण का बंद करन का जिहड़ा साडा सारा ध्यान है उस तो बाद देखांगे कि जिन्हां दे उही पशु सी जिहदे नाल घर चलदा सी जां इस तरह के ने कि जिन्हां का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया दो ही पशु सी दोनों ही मर गए तो उहदे वास्ते असीं फिर कोई कमेटी बना लाँगे मुआवजे बारे भी पर फिलहाल असी इस गल ते जिहड़ा फोकस्ड हाँ कि इस बीमारी नूं रोकिया जावे ते पंजाब दे विचों इस बीमारी नूं खत्म किया जावे।